गाइस स्वागत है आपका एक और वीडियो में। ये भी इस वीडियो में रामदेव जी का मेला और मैं थोड़ा सा खेत का व्यू दिखाऊंगा अदर साइड पे, तो चलिए देखते हैं। रामदेव मंदिर में भीड़ देखिए कितनी है, और ये कुछ एरिया भाई ने रेडी लगा रखी है। और ये मेले में भीड़ देख रही होगी आपको पीछे बहुत है, वहाँ से ज़्यादा यहाँ भीड़ है। और एक और गांव है बोडिया बिश्नैण, वहाँ तो और भी ज़्यादा भीड़ होगी, बड़ा मेला लगेगा। यहाँ एक छोटा तो नहीं कह सकते, थोड़ा बड़ा ही मेला है। भाई की बेरिये बेच रहा हूँ दबा दब, सुन के हम 3 से 4 किलो बेच दिए मैंने, ये खाना खा रहा है अभी तक। दुकानें देख सकते हैं कि मतलब कितनी दूर तक भी लगी हुई है, लोग अभी तक भी आ ही रहे हैं। एक रोड मैप क्या है, भीड़ भी है और अकेला बंदा था, मैं ज़्यादा कवर नहीं कर पाया। और मैं कोई काम से ही वहाँ गया था, और बड़ा मतलब मेला भरा हुआ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और मैं जहाँ खड़ा था वहाँ तो छीट थी, क्योंकि भीड़ तो उस साइड थी, लेफ्ट साइड मेरे मतलब मेरे पीछे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो अब मैं निकल रहा हूँ अपने घर की तरफ, और वहाँ आपको जो हमारे घर का जो पास के मंदिर के जो मेला कल मैं आपको वीडियो देखी थी आपने, और वो जो दिखा रहा था मैं, तो वहाँ आपको लेके चलूँगा और वो दिखाऊँगा कि वहाँ कितने हैं। वहाँ शाम के समय भीड़ होगी अभी तो, मतलब वहाँ थोड़ा सा मतलब रिहाइश मतलब बड़े लोग हैं पैसे वाले, तो उस वजह से कम है। मगर गाँव के लोग हैं ना, आस पास ही गाँव से लोग आते हैं काफ़ी, और आपने देखा भी रोड पर कितनी भीड़ थी और कितनी दूर तक दुकानें लगी हुई थी। तो चलिए आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा बात ना करते हुए मिलते हैं आपको सीधा डायरेक्ट। यहाँ प्रसाद बन रहा है, जो लंगर आगे चल रहा है वो भी ले चलूँगा। ये प्रसाद बन रहा है, ब्रेड पकौड़े और लड्डू का भोग भी लगा चुके हैं उधर, हलवाई लगे हैं, दबा दब बन रहे हैं। ये बच्चे सेवा करने लगे हैं, ठुक रहा है। तो आपको अभी मंदिर ले जाता हूँ, दिखाता हूँ। इधर प्रसाद वितरण हो रहा है, ये प्रसाद है, और ये शाम का समय, अभी अभी टाइम मिला आने का। प्रसाद दोने अब तो समय हो गया रात का। ये बाबा के दरबार में जो मतलब भेंट चढ़ी है वो गिनते हुए, और आरती हो रही है उधर। ये हमारे अंकल आते हुए इधर से, और क्या बात है, ये इनका यही हमने सरसों लगा रखी है, ये हमने प्याज लगा रखे है, लहसुन उस तरफ है, खोदी निकाल रहे हैं बच्चे। अंकल तबीयत डाउन होने की वजह से मैं ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं बना रहा, और आप लोगों का प्यार से सहयोग चाहिए, और मैं कुछ नए प्लान भी कर रहा हूँ। और तबीयत अभी 2 दिन से फिर मेरी तबीयत डाउन है, बुखार थी, अभी मैंने अभी दवाई ली है, ये देखिए पूरा पैकेट ही खा गया मैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगर अच्छी लगती हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।